मैं तेरे जैसे से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कल शादी के बाद तेरे जैसे पैदा हुआ तो भाई आप दोनों अच्छा से पैदा भी नहीं हुए हो, पैदा करने की सोच रहे हो। देखो सोचा जाता है पर उसका भी उम्र होता है, अभी आप बच्चे हो, आपका दूध वाला दांत भी नहीं टूटा है, समझे? हाँ ये कर लो पहले। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद ये लड़का परस चोर से परस छीन करके दिया और उसी को थप्पड़ मारी, उस साइड थप्पड़ मारी और इस साइड दर्द हो रहा है, ये कहाँ का लॉजिक है? चीनी परस चोर उधर से आ रहे थे और अभी भी उधरे भाग रहे हैं। खैर उनका कोई गलती नहीं है, ये तो स्क्रिप्ट लिखने वाला गलती किया है, या तो बच्चे है। हाँ ये सच है कि अपने पापा की परी थी, अब मेरी राजकुमारी है। नहीं यार ये सच नहीं है, अगर सच होता तो खान मूवी में दीपिका इतना सारा शोर मचाई है तो उसको भी उछाल कर ड्रेस चेंज कर देते, समझे? उछालने से कुछ नहीं होता है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो लड़के रुक रहे थे यही क्रियाक्रम करने के लिए, मतलब काम करने के लिए, आप दोनों को रिजेक्ट मारी और वही काम इससे कर रही हो, इसमें तुमको कौन सा खुशी मिल गया ये बताओ ना। नहीं बताऊंगा। तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, चंचल समम तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, चंचल समम तुम्हारा। और हंस कैसे रही है जैसे कि सारा जिंदगी का प्यार आज ही मिल गया हो। चचा बस इतना बता दो कहाँ मांगी थी दुआ? मैं नहीं बताऊंगा। दुआ कहीं नहीं मांगे थे, ये शादी लड़की की मर्जी से हो रही है, अभी तो इतना मुस्कुरा रही है, मुस्कुराए भी तो काहे ना, कुछ समय के लिए पति है बट कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद सारा धन तो इसी का हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।